The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप दोस्तों? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। भाई ऐसा है, कई हमारा एक वीडियो आया था जिसमें हमने बताया है कि खाना पकाने के लिए कौन से यूटेंसिल्स, कौन से बर्तन बेस्ट है, किसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। वो वीडियो आप अगर देखना चाहें तो फिटनेस एंड न्यूट्रिशन चैनल में हमारे वो वीडियो आपको हिंदी भाषा में मिल जाएगा, इंग्लिश भाषा में शायद नहीं है, वो मैं डाल दूंगा। रेस्ट, उस पर सवाल बहुत आए कि क्या हम मिट्टी के बर्तनों में, क्ले पॉट्स या जिसको पॉटरी या केओलिन या जो दूसरे कई नाम्स हैं क्ले के, बहुत सारे नाम्स होते हैं, राइट, सिरेमिक और वो सब, क्ले को ही मॉडिफाई करके इधर उधर से ऐसे ना वैसे करके इन्हें मिट्टी से ही डिराइव होके बनाया जाता है, तो क्या उनमें खाना बनाना, खाना रखना, खाना खाना सेफ है या नहीं, जैसा कई लोग, कई आयुर्वेद में भी वो रिकमेंडेशन है। तो लेट मी टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम इन इट। देखिए, मेडिकल साइंस क्या कहता है, मेडिकल साइंस रिसर्च ये बताता है कि मिट्टी में लेड पाया जाता है, मिट्टी में यानी क्ले में, क्ले से फिर कैसे भी प्रोसेस करके कुछ भी बना लो, मिट्टी के बर्तन बना लो, मिट्टी के पॉट बना लो, पॉटरी बना लो, जो मर्जी बोल लो, केओलिन बोल लो, सिरेमिक बोल लो, कुछ बोल लो, वो बने हुए बर्तन प्रोसेस किए हैं तो थोड़े ज़्यादा हार्ड हो सकते हैं, थोड़े ज़्यादा एनोडाइज्ड हो सकते हैं, जो एनोडाइज वर्ड है जो भी है, तो उससे क्या होगा, उसमें देखो जितना सिंपल होगा, मिट्टी को खाने में मिलाओगे तो मिल ही जाएगा, वो तो खाने में मिल ही जाएगी ना मिट्टी को, लेकिन उसको प्रोसेस करके आप खाने में डालोगे तो जैसे घड़े में ठंडा पानी डालते हो तो वो पानी में वो नहीं आ जाता, वो मिट्टी नहीं आ जाती, लेकिन वो माइनर अमाउंट में, नाक के बराबर अमाउंट में ज़रा सा मिलता है, उसको लीचिंग कहते हैं। यही चीज़ अगर एक घड़े में, एक मिट्टी के बर्तन में खाना पकाते हैं तो मिट्टी या उसमें से मिट्टी का प्रॉब्लम नहीं है, लेड का प्रॉब्लम है, लेड लीच होता है। जी हाँ, लेड लीच होता है। भरोसा नहीं है, यू गूगल पे या रिसर्च आर्टिकल्स में, पबमेड पे टाइप करके कहीं भी देख लो, क्ले में लेड है क्या? बिल्कुल है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसमें लेड है, प्रॉब्लम यह है कि लेड उस टाइप का है जो लीच होता है, लीच होगा खाने में, तो जितनी आप उसमें अगर खाना गर्म डालोगे, अगर उसमें खाना पकाओगे तो वो गर्माहट से वो उससे वो क्ले और ज़्यादा लीच होगा। तो वो लीच अगर रेगुलरली, अगर एक आधी बार खा लिया, कुल्लड़ में चाय पी ली, तो नहीं आपको लेड पॉइजनिंग हो जाएगा, रेयर है, लेड पॉइजनिंग इतनी कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा मात्रा में आजकल क्ले कोई यूज़ नहीं करता, ठीक है, बहुत रेयर है, और डेवलप कंट्रीज में तो बिल्कुल भी नहीं करते। डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया जैसी कंट्रीज, गांव या उस जगह पे ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर लेड पॉइजनिंग ज़्यादा पाई जाती है। और ऐसी जगहों पे आप रिसर्च देखें, 2017 में भी एक रिसर्च था कि मैक्सिको में, बाहर की कंट्रीज में, जब पॉटरीज, जो सिरेमिक पॉटरीज, क्ले के पॉटरीज ज़्यादा चल गई थी, वहाँ से बहुत ज़्यादा बिकने लगी थी, बहुत ज़्यादा उसके यूज़ होने लग गया, तो वहाँ पर लेड पॉइजनिंग के केसेज और ज़्यादा बढ़ गए थे, जो कि बड़ी सिंपली उसका रिलेशन होता है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि लेड के पॉइजनिंग के चलते बहुत ज़्यादा खाना उसमें नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा खाना, गर्म खाना या एसिडिक फूड उसमें नहीं रखना है। एसिडिक फूड का मतलब जिसमें विनेगर, नींबू, टमाटर, ऑरेंजेस, ऐसी खाने पीने की चीज़ें यूज़ हो रही, एसिडिक फूड्स है, वो फूड्स डालने से लीचिंग बढ़ जाती है, गर्म खाना डालने से या गर्म पकाने से लीचिंग बढ़ जाती है, तो लीचिंग लेड की अपने मात्रा में ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप यूज़ करते हो ऐसी चीज़ें और आपको डाउट है कि मुझे, मेरे में लेड पॉइजनिंग तो नहीं है, तो आप मेटल, हैवी मेटल पैनल करा के देख सकते हो, कोई भी लैब्स में आजकल वो अवेलेबल है कि आपके अंदर लेड की मात्रा ज़्यादा तो नहीं है, अगर है तो फिर वो बंद करो या समझो इस बात को, ठीक है। और इस चीज़ का अल्टरनेटिव बेस्ट कुकिंग मेथड क्या है, कुकिंग के लिए बेस्ट चीज़ क्या है, उसके लिए आप यूटेंसिल वाला हमारा वो वाला वीडियो देखिए। और स्टील इज गोके, स्टील में ज़्यादा पका सकते हैं, आयरन में पका सकते हैं, वो अच्छी चीज़ें हैं। एल्यूमिनियम भी फिर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे लीचिंग होती है, लेकिन वो यूज़ कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें, हर एक चीज़ से लीचिंग होती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें लीचिंग नहीं होती। टेफ्लॉन का भी अपना हिसाब किताब है, टेफ्लॉन को कैसे यूज़ करना है वो भी हमने उस वीडियो में बताया है। मिट्टी की, पॉटरी की, जो भी मर्जी बोल लो आप, क्ले वे, उसको कैसे यूज़ करना है, ये हुई थी की बात। आई होप आपको वीडियो समझ आई है। कोई भी इसमें डाउट है तो आप नीचे सवाल लिखिए या फिर आप रिसर्च करिए पबमेड पे, पबमेड
मेडिकल रिसर्च साइट्स हैं जहाँ पर मेडिकल पब्लिकेशंस आती हैं, इसमें सिर्फ मेडिकल नहीं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सारी पब्लिकेशंस वहाँ आती हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हो, मेटा एनालिसिस पढ़ सकते हो, खुद समझ सकते हो रिकमेंडेशन क्या कहती हैं, राइट, और कहाँ क्या प्रॉब्लम है। सो ये हुई बात इस चीज़ की, आई होप आपको समझ आए, इस बात को ज़रूर शेयर करो और वीडियो लाइक जरूर करना है। डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर, स्टे ऑल दी।